तो हे गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका अपना अमन तिवारी। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं रिसेंटली लॉन्च 2023 होंडई एक्स्ट्रा, जो कि भाई टाटा पंच को टक्कर देने के लिए होंडई वालों ने अपने इस सेगमेंट में होंडई एक्स्ट्रा को उतारा। जहां पर अगर बात की जाए तो यहां पे आपको कितना क्या कुछ मिलता है इस होंडई एक्स्ट्रा में इतने कम प्राइस में। भाई टाटा पंच के अगर कंपेरिजन बात की जाए तो यहां पे इसमें आपको काफी ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके फ्रंट साइड में, तो यहां पे आपको डे टाइम रनिंग एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती है। एस एप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है, जिसमें हाई और लो बीम आपको दोनों इसी में मिलेगी। साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 185 की आपको इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए तो फ्रंट साइड में आपको काफी ज्यादा मस्कुलर बॉडी शेप मिलेगी होंडई एक्स्ट्रा 2023 रिसेंटली लॉन्च में। साथ ही में इसकी अगर बात करें यहाँ पे साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 15 इंच एलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे 16 इंच एलॉय व्हील होते तो और बेटर हो सकता था। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और बैक साइड में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। साथ ही में बात की जाए और भी, तो यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर यहाँ पे इसके मिरर पे देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके से आपको इस शेप में मिलेंगे। साथ ही में इसकी बात की जाए तो रूफ रेल जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से होंडी वेन्यू जैसी होगी, जो पूरी तरीके से आपको होंडी वेन्यू में देखने मिलती थी। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपको 30 लीटर के यहाँ पे आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है होंडी एक्स्ट्रा में। साथ ही में बात की जाए तो कुछ इस तरीके से इसका साइड प्रोफाइल होने वाला है, जहाँ पे ए और बी पिलर भी आपको पूरी तरीके से ब्लैक मिलेंगे। साथ ही में अगर बात करें सी पिलर में, तो यहाँ पे आपको दो कलर कॉम्बिनेशन मिलेंगे विद पियानो फिनिश के साथ में। साथ ही में इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको इसके बैक साइड में अभी आपको टेल लाइट एस एफ की मिलेगी। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे हेलोजन वाले इंडिकेटर आपको बैक साइड में देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे भी बैक साइड की आपको यहाँ पे बैक साइड में आपको पियानो फिनिश के साथ में एक ग्रिल सी मिलेगी, जिसमें होंडे का यहाँ पे लोगो होगा, जो आपको अलग से ही दूर से भी देखने को मिलेगा। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको न्यू बंपर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे मस्कुलर शेप देने के लिए यहाँ पे वोल्ट की सेविंग दी गई और साथ ही में यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिलेंगे। साथ ही में ये पार्किंग सेंसर भी आपको बैक साइड में देखने को मिलते हैं। ये है होंडी एक्सर एक्सएक्स वेरिएंट। जहां पर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा, जो कि इस सेगमेंट में और भाई इस बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे डिफरेंट आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अलग शेप में यहाँ पे होंडी वालों ने स्पॉइलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड की बैजिंग मिलेगी। इसका मतलब आप कोई भी यहाँ पे होंडी एक्स्ट्रा का वेरिएंट लेंगे उसमें आपको 6 एयरबैग कंपलसरी देखने को मिलेंगे और बैक साइड में आपको रियर वाइपर मिल जाता है देखने को, जो कि आपको काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है होंडी एक्स्ट्रा 2023 एज कम्पेयर टू टाटा पंच। अगर इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में 15 इंच एलॉय व्हील आपको पता ही है और साथ ही में यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल सकती है, मिल जाती है, और आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑटो कनेक्टेड मिल जाती है, जो कि ब्लू लिंक के साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये थी यहाँ पे होंडी एक्स्ट्रा की साइड प्रोफाइल जो आप लोगों ने देखी। अब हम चल के देखेंगे इसके इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल जाता है डिफरेंस एज कम्पेयर टू टाटा पंच। अब हम चल के देखेंगे होंडी एक्स्ट्रा के इंटीरियर में आपको क्या क्या डिफरेंस मिल जाते हैं। तो चल के यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जहां पर अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको हैंडल डोर मिलेंगे एंट्री के लिए, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री और यहाँ पे आपको एक बटन प्रेस मिलेगी करने को। जहां पर अगर बात की जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका इंटीरियर होने वाला है होंडी एक्स्ट्रा का। ये ऑटोमेटिक 6-स्पीड मैनुअल गियर के साथ में है। बात अगर की जाए तो यहाँ पे आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में अगर बात करें तो काफी ज्यादा इसका इंटीरियर जो इंस्पायर्ड है वो है होंडई नियॉन से, काफी ज्यादा इंस्पायर है। वो बात मैं क्यों कह रहा है, अगर यहाँ पे आप साइड में प्रोफाइल पे देखें तो 3D यहाँ पे आपको काफी ज्यादा होंडई नियॉन जैसी देखने को मिलेगी। साथ ही में इसके इंटीरियर की बात की जाए तो वो भी एज इट इज आपको काफी हद तक सेम मिलेगा होंडई नियॉन जैसी जो वहां पे खड़ी है वहां का जैसे आपको पूरी तरीके से यहाँ पे इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आप बात करके चल के देखते हैं कि आपको इसके डोर में क्या क्या मिलता है ड्राइवर साइड में। यहाँ पे आपको मिरर एडजस्टमेंट मिल जाता है, साथ ही में इस तरीके से पावर विंडो को आपको पास कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। अगर बात करिए तो यहाँ पे आपको वाटर बॉटल के लिए आपको स्पेस मिल जाती है। अब चल के देखते हैं कि इसके इंटीरियर में बैठने के बाद आपको स्पेस कैसी मिल जाती है, कंजेस्टेड है या काफी ज्यादा स्पेसियस है। तो अभी हम आ चुके हैं होंडई एक्स्ट्रा के इंटीरियर पे, जहां पे आपको अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही में एक चीज और आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कि जिस कलर की यहाँ पे कार है उसको काफी ज्यादा इंटीरियर में हाईलाइट किया गया है। जहां पे आप अगर बात करें तो इस तरीके से यहाँ पे उसके धागे की सिलाई को उसी कलर में इंटीरियर दिखाया गया है और साथ ही में एसी की जो बाहर कलर में उसको भी वहां पे काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है। जहां पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इसके इंटीरियर में 8.5 की टच इनपोटेंट सिस्टम मिल जाता है, दो थोड़ा बहुत बड़ा भी करने चाहिए थे यहाँ पे। साथ में ये थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता
सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर इसके स्पीडोमीटर की, वो पूरी तरीके से टैकोमीटर और स्पीडोमीटर आपको डिजिटली मिलता है। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको ब्लू लिंक कनेक्टेड मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे SOS का मिल जाता है। और साथ ही में यहाँ पे अगर कोई भी कार आके आपकी होंडा एक्स्ट्रा कहीं भी खराब हो जाती है, तो यहाँ जैसे आप ये बटन प्रेस करें तो नजदीकी होंडे के शोरूम पे जाके आपकी कार का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ से भी आप अपनी कार को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही में बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स, वो है होंडा एक्स्ट्रा का यहाँ पे उसका ये डैश कैम, जो कि भाई हाईलाइट बना हुआ है फीचर्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 लाख की कार में इतना बड़ा आपको फीचर्स मिल रहा है, जो आपको 22 से 30 लाख की कार में भी देखने को नहीं मिलता। 22 लाख में आपको अगर जो होंडा इन्वेक्टो है, मारुति सुजुकी ने नेक्सा में जो इन्वेक्टो लॉन्च की, उसमें आपको ये फीचर्स मिलता है, लेकिन यहाँ पे भाई इतने कम प्राइस में आपको ये तगड़ा फीचर मिलता है। कुछ अगर बात की जाए तो ये अभी 6 स्पीड ऑटोमेटिक कार है, जहां पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका इंटीरियर था। जहां पे अगर बात करें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हैंडब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पे दो कप होल्डर के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में स्पेस मिल जाती थी। तो ये है होंडा एक्स्ट्रा का फ्रंट साइड के स्पेस की। अब चल के हम देखते हैं बैक साइड में आपको कैसे क्या स्पेस मिलती है होंडा एक्स्ट्रा में। तो हम चल के देखते हैं बैक साइड के रो में आपको क्या क्या मिल जाता है होंडा एक्स्ट्रा के अंदर। जहां पर अगर बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इसके डोर में कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ मिलने वाला है। जहां पर अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक नीचे स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे आपका पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, और ये पकड़ने के लिए आपको मिल जाता है। साथ ही में बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको होंडा एक्स्ट्रा का इंटीरियर मिलने वाला है। साथ ही में अगर बात करें, जैसे हम यहाँ पे इसके इंटीरियर में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको स्पेस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। होंडा एक्स्ट्रा में काफी ज्यादा आपको स्पेस मिलने वाली है एज कम्पेयर टू टाटा पंच। अगर बात की जाए तो रियर में आपको AC मिल जाती है, और बात ही करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में आपको AC पैनल रूम एक्शन रूम भी मिल जाती है। साथ ही में इस तरीके की कुछ लाइट्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए ये कुछ ऑप्शन से मिल जाते हैं। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीट के कवर में कोई भी स्पेसिस रखने के लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलता। ये थोड़ा मे बी नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन अगर बात की जाए तो बैक साइड में होंडा एक्स्ट्रा में आपको स्पेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम बात करते हैं चल के बूट स्पेस में आपको कैसी क्या प्रॉब्लम मिल रही है। आपको होंडा एक्स्ट्रा की टेल लाइट्स मिल जाती है इस टाइप की, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग देती है एज कम्पेयर टू इस दिस सेगमेंट कार में। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इसके एक्स्ट्रा को ओपन करेंगे बूट डोर, तो यहाँ पे भाई होंडा एक्स्ट्रा के डोर में काफी ज्यादा भजन फील हो रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 391 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है होंडा एक्स्ट्रा में, जो कि अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा बड़ा बूट स्पेस है। साथ ही में बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बैक साइड मिलने वाला है, और ये था होंडा एक्स्ट्रा का बूट स्पेस। साथ ही में बात करें तो यहाँ पे आपको जो होंडा एक्स्ट्रा के इंजन की बात करें, तो यहाँ पे आपको सेम इंजन देखने को मिलता है जो टाटा पंच में आपको देखने को मिलता है, जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, और ये CNG के ऑप्शन के भी साथ में आती है, जहां पे इसमें आपको 18 BHP पावर मिलता है, और साथ में 118 न्यूटन टॉर्क मीटर के साथ में ये आती है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि आपको 19.5 किलोमीटर तक आपको यहाँ पे रेंज देगी सिंगल फ्यूल के बाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर था वो था इसका यहाँ पे, जो इतने कम सेगमेंट में भी देते हैं, यहाँ पे आपको पेडल के नीचे आपको लाइट्स मिल जाएगी, या अंधेरे में भी आपका कोई चीज गिर जाए तो आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो ये थी हमारी होंडा एक्स्ट्रा 2023 रिसेंटली लॉन्च। आप लोगों को कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो माई यूट्यूब चैनल। अगर हम